أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी सदारत आप तमाम लोगों की ताईद और हिमायत से जो है अलहाज यूसुफ इलियास साहब फरमा रहे हैं। मैं सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ प्रोग्राम को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हाजिर तमाम ही लोगों का और बिलखसूस मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हजरात, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों, उन तमाम लोगों का मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव की जानिब से खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले ज़बानी तौर से मैं आप लोगों को उसकी गर्ज गायत अगराज व मकासिद बताता चलूँ कि बहुत जल्द अनकरीब यानी मुस्तकबिल करीब में पूरे महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस ताल्लुक से मालेगांव सेंट्रल हलके का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या लाहे अमल है, आगे किन मंशूर और नौनात के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये इलेक्शन लड़ेगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस हलके से कौन होगा और किसकी ईमा पर होगा, ये तमाम जो बातें हैं और जो रुदाद हैं वो आप लोगों के सामने जो है वो मुकम्मल मेरे ज़रिए ही बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिमाली महाराष्ट्र के सदर होने के नाते से रखी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में मालेगांव सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर अज़ीज़ के हरदिल अज़ीज़ एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से उम्मीदवारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं और मेहनतों के तुफैल अल्लाह ताला ने एक अजीमुशान कामयाबी जो है शहर अज़ीज़ के एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अता फरमाई थी। रिकॉर्ड साज कामयाबी 1,17,000 महाराष्ट्र की तारीख में इतनी बड़ी वोट उस असेंबली इलेक्शन में किसी ने नहीं हासिल की थी और बहुत ही क्लियर मार्जिन से जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। 5 साल मुसलसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पार्टी से जुड़े रहे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी पार्टी को मजलिस को वहाँ वहाँ मौसूक ने अपनी खिदमत अंजाम दी। नज़रियात में इख्तलाफ होना और ख्यालात में इख्तलाफ होना ये ज़िंदा कौमों की निशानी है और ऐन इंसानी फितरत का तकाजा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार होने के नाते से और हम लोगों के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार होने के नाते से ऐसी बातों पर कहीं ना कहीं इख्तलाफ हुआ होगा जो कोई बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार ना कर ले, ऐसा ही इख्तलाफ मामूली इख्तलाफ जिसको कहा जाए वो हुआ। इस बीच हमने भी उम्मीदवारी की जो है गुजारिश जो है जिम्मेदारान से की थी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी की थी और हमारी शुरुआती बात में ये तय हुआ था कि हम भी उम्मीदवारी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आप भी आपकी भी ख्वाहिश मजलिस से ही उम्मीदवारी करने की है, तो क्यों ना ये फैसला मजलिस के बड़ों पर छोड़ दिया जाए।
इस जिमन में पिछले दो हफ्ता पहले मालेगांव शहर के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का हैदराबाद जाना हुआ, जहां पर हमारी मरकजी कयादत से मालेगांव शहर की सियासत पर और पार्टी के कामकाज पर और उम्मीदवार के दोनों उम्मीदवारों के अपनी अपनी कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू और चर्चा हुई। उसके बाद हमारे जो मरकजी और कौमी सदर हैं बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने फैसला किया और अपने फैसले में जो है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मजलिस की जानिब से मालेगांव शहर सेंट्रल की उम्मीदवारी को कतईयुद्दीन जो है उस पर महक जो है मोहर सख्त की और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की उम्मीदवारी को जो है मालेगांव सेंट्रल हल्के से जो है वो फाइनल किया। और इस बात की जिम्मेदारी हमें दी गई कि आप तंजीमी जिम्मेदार होने की हैसियत से शहर में जो है इस बात का ऐलान करें। हमने भी हमारे सदर मौसूब के फैसलों को कबूल किया और हमारे लिए सबसे अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि मालेगांव पूरे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से आज तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और तमाम सियासी पार्टियों से शपथ लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का असेंबली का टिकट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फाइनल हुआ। हम तमाम लोग जो है वो मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। अदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر। اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کی طرح پھر اس مرتبہ مجھے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے امیدواری کا موقع عطا فرمایا۔ میں اس نعمت غیر مترقبہ کے ملنے پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور ان کے تمام رفقا اور خاص طور پر شمالی مہاراشٹر کے صدر الحاج ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، ناسک ضلع کے صدر الحاج عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب اور ہم سب کے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، ان سبھی لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ پارٹی نے جن امیدوں کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ مجھے امیدواری دی ہے میں انشاءاللہ اس پر پورا پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ حالات بظاہر سخت ہیں، راستہ دشوار گزار ضرور ہے، لیکن مایوس کن نہیں۔ آدمی جب میدان میں آتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے مقابلے میں دونوں پہلو ساتھ ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر یہ بات لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے کہ اسباب کے درجے میں فیصلہ کیا آنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے بہت پر امید ہیں اور ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہمرکاب ہوگی۔ جن امیدوں کے ساتھ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں گے۔ پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے اور پارٹی کے ذمہ داران کو پارٹی کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی ہے، خاص طور پر ہم سبھی حضرات ساتھ میں تھے جس میں ہمارے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب، عبد الماجد اور میرے ساتھ جو ہمارے رفقا تھے، ان تمام لوگوں کو یہ ذمہ داری ہمارے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے دی ہے
कि सबको मिलजुल करके ये सीट चुनवा करके लाना है, और इंशाअल्लाह हम सब एकजुट हो करके काम करेंगे, कोशिश करेंगे, बाहमी मशवरे से हमें आगे कैसे जाना है, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना है, हमारा क्या मंशूर होगा, उन तमाम चीज़ों को ले करके हम आइंदा आप हजरात के सामने दोबारा आएंगे। जहां असहाबुर राय लोग जमा होते हैं, साहिबुर राय जिनकी अपनी सोच होती है, जिनका अपना एक विज़न होता है, वहां पर इख्तलाफ राय होना लाजमी और ज़रूरी। ऐसे लोगों का इकट्ठा होना जिनकी अपनी कोई राय ना हो तो वो सब हाथ उठा करके तायद करते हैं। तो इख्तलाफ़ का होना ये फितरी बात है, और वजह उसकी ये है कि आदमी जब साहिबुर राय होता है, सोचता है, गौर व फिक्र करता है, हालात के नशेब व फराज को समझता है, तो उसकी अपनी एक राय होती है, और उस राय के साथ ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों की राय का इत्तेफाक हो। इसलिए हमारे दरमियान छोटी मोटी बातों पर बात हुई होगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुत्तहिद हो करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से आने वाला महाराष्ट्र का जनरल असम्बली इलेक्शन लड़ेंगे, और माजी की तरह जिस तरह शहर में शहरियों तक जा करके हमने अपनी बात रखी थी और हमने कोशिश की थी कि शहर हमारे साथ रहे, दोबारा हम उसी तरह कोशिश करेंगे, लोगों के दरमियान जा करके अपनी बात रखेंगे, और लोगों को कन्विंस करना, हमवार करना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, इंशाल्लाह उसे पूरा करेंगे। इलेक्शन होते रहते हैं, अभी महाराष्ट्र का असम्बली इलेक्शन होना है, उसके बाद कॉरपोरेशन का इलेक्शन होना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से अपने तमाम जिम्मेदारों के सरपरस्ती में रहते हुए हम कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन लड़ेंगे, और जिस तरह इस वक्त आज हम लोग महाराष्ट्र के जनरल असम्बली इलेक्शन में मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी हम लोग एकजुट होकर के कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि इस शहर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन तमाम चीज़ों को हम साथ लेकर के चलेंगे। महाराष्ट्र का असम्बली इलेक्शन अभी अनकरीब उसका ऐलान होना है, हालात के पेशे नज़र बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें ताखीर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल होना ही है, महीना दो महीना आगे पीछे इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा, और इस इलेक्शन के बाद कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन होगा। शहर के विकास के लिए जहाँ मालेगांव सेंट्रल हलके से असम्बली में उम्मीदवार जाना ज़रूरी है, इसी तरह कॉरपोरेशन में भी मजलिस का इक्तदार ज़रूरी है। एक एमएलए का जो फंड होता है वो छोटा फंड होता है, 5 करोड़ रुपया सालाना, और वो भी आगे पीछे आता है। 5 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए ऐसा है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा, लेकिन कॉरपोरेशन आज 500-700 करोड़ रुपये का बजट रखती है, और इस मरतबा तो गालिबन 1000 करोड़ रुपये का बजट है। अगर कॉरपोरेशन का जनरल बजट मालेगांव के मूलभूत सुविधा के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आज शहर का ये नक्शा नहीं होता जो है। तमाम जितने बड़े रास्ते हैं सब सुधर गए होते, और आसपास की जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों में भी रोड, रास्ते, पानी, लाइट की सारी सुविधाएं होती। 5 करोड़ रुपये में क्या हो सकता है आपने देखा, और 500 करोड़ रुपये में क्या हो सकता है आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर शहर को हम लोग विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और शहर की तमाम बुनियादी सहूलियात शहरियों को मुहैया हो, उसके लिए जहाँ असम्बली में नुमाइंदा ज़रूरी है, इसी तरह कॉरपोरेशन में भी मजलिस का इक्तदार ज़रूरी है। अगर मजलिस का इक्तदार रहेगा तो कॉरपोरेशन के फंड से और इसी तरह सरकार के मुख्तलिफ फंडों से हम लोग शहर को एक नई तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। मैं दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ, और इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का,
और शमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब का, नासिक ज़िले के सदर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब का और हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे तमाम रुफका जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इन सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह हम लोगों ने सर जोड़ कर बैठ कर कुछ फैसले किए हैं, उन्हीं फैसलों की रोशनी में इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ऐसा हो रहा है जहाँ उनके हमारे खिलाफ, तो उनके दूर होने की वजह में कुछ इख्तलाफ है या फिर उन्होंने रास्ता अपना बना लिया, इस पर थोड़ी सी वजाहत कर देते हो? बहुत सारी चीज़ों की वजाहत इंशाअल्लाह हम लोग जलसे में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारी सियासी तौर पर हमारा ये पहला कदम है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में देखोगे कि छोटी मोटी बातों को लेकर या किसी वजह से नाराज़गी है, जो साथी हमसे दूर हो गए इंशाअल्लाह वो सब वापस आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए है या फिर और कुछ प्रोग्राम मजलिस के प्लेटफॉर्म से होगा? ऐसा मुझे लगा कि शायद इम्तियाज जलील आने वाले दिन में दौरा करेंगे या कुछ और प्रोग्राम है, तो इस बारे में कुछ तफसील है आपके पास? अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मुल्की सतह पर जो है वक्फ तरमीमी बिल का मामला, ये जो है बहुत ज़्यादा यानी सीरियस है और इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी बहस की और जो है मुल्क के जो उलमाए किराम हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनसे भी मुलाकात की और उन्होंने तेलंगाना स्टेट को इसके ख़िलाफ़ एक मेमोरेंडम दिया था और उनकी इमा पर तेलंगाना स्टेट में जो है वक्फ तरमीमी बिल को रियासती सतह पर कबूल ना किया जाने का जो है वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ। इसी के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो साहब जो है वो महाराष्ट्र में भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसी सिलसिले की पहली कड़ी में बरोज़ मंगल को औरंगाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ पर हम तमाम लोग जो है मजलिस के ज़िम्मेदारान जाएंगे और इस सिलसिले में हमने गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र में गिरिराज महाराज ने जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा पर अंगुष्ट नुमाई करके गुस्ताखी की है और उसके पस मंज़र में नितेश राणे ने जो बयान और जहर अफशानी किए, उसके ख़िलाफ़ मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरोज़ बुध को जो है एक धरना गांधी पुतले पर देगी और उसके लिए अभी हमारी पुलिस परमिशन ली जा रही है। पुलिस परमिशन के अनकरीब मिलने के बाद हम इसका अखबार में और दीगर प्लेटफॉर्म से जो है इस धरने का ऐलान, टाइम और वक्त का जो भी तायुन होगा वो ऐलान करेंगे। अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चंद घंटों पहले, उसमें मस्जिदों पे जो सोलर सिस्टम लगने वाले उसके बारे में 110 मस्जिदों को 5 करोड़ रुपए देखिए 2012-13 में जो है मुसलमानों की पसमानदगी के ताल्लुक से जो है मरकजी सतह पर एक कमेटी का तश्कील दिया गया था, एक कमेटी तश्कील दी गई थी और जिसके ज़िम्मेदार और सदर जो थे उस वक्त सच्चर साहब थे।
इसलिए उस कमेटी का नाम सच्चर कमेटी रखा गया। महाराष्ट्र में मुसलमानों की पसमानदगी के असबाब में जो यहाँ के दीनी मदारिस हैं उन पर भी रोशनी डाली गई थी और सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिश में ऐलान किया था कि दीनी मदारिस को जो है वो अपडेट किया जाए, जैसे कि दीनी मदारिस के तलबा को जो है असरी तालीम से भी जोड़ा जाए और मदरसे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी तामीर है और उसमें लगने वाले जो लवाजमात हैं उसको जदीद और अपडेट किया जाए, जैसे कि कंप्यूटर दिया जाए और नई जो है नई बुक्स दी जाए और नई लाइब्रेरी कायम की जाए। 2013 के जो जीआर में ये तय हुआ था उसमें 9 नुकात लिए गए थे। 9 नुकात में जिन मदारिस और जिन मस्जिदों को इस तरीके की सहूलत मिलनी चाहिए उसमें सरकार ने कंडीशन रखी थी कि ऐसे मदारिस और ऐसी मस्जिदें उनका 3 साल पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए और वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 2013 का जो था ये जीआर था और ये जीआर में जो है 2 मरतबा अमेंडमेंट हुआ। इसका अमेंडमेंट जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो दिसंबर 2023 में हुआ था। उसमें भी 9 नुकात थे और 9 नुकात में जो है कहीं भी मस्जिद या मदरसे को सोलार पैनल देने की बात नहीं थी। लेकिन अगस्त 2024 का जो जीआर आया गवर्नमेंट से, 21 अगस्त 2024 को जो जीआर आया उसमें वाज़े तौर से जो है गवर्नमेंट ने है अपने जो 9 नुकात थे उसमें 90 नंबर पे जो है वो सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविनिया 60 इसका एक एडिशनल जो है पॉइंट जो है ऐड किया। तो बोलने का मतलब आज से पहले गवर्नमेंट के ज़ेर गौर ऐसी कोई बात नहीं थी, ये अगस्त में जो है गवर्नमेंट ने ये ज़ेर गौर थी और इसको कानूनी तौर से अमल में जो है आप लोग देखेंगे कि 21 अगस्त के जीआर में गवर्नमेंट ने लाया। इससे पहले गवर्नमेंट के ज़ेर गौर था लेकिन इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं थी। सवाल तो ये है कि ये पूरे महाराष्ट्र में अगर लोग बोल रहे हैं कि मालेगांव की मस्जिद को मिलेगा तो ऐसा नहीं, अगर झोड़गा की मस्जिद वाले भी अब इस जीआर के अकॉर्डिंग जिया अपने इसके सोलार सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी सोलार सिस्टम की जो है वो सहूलत और जो है सोलार सिस्टम का जो भी गवर्नमेंट का जो देने का वो है इरादा है वो मिलेगा। मालेगांव की मखसूस मस्जिदों के लिए ये नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की मसाजिद और मदारिस के लिए ये जीआर है। सवाल मसाजिद और मदारिस को जो है सोलार सिस्टम देने का नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों को मस्जिदों में घुस कर मारेंगे और ये उसी हुकूमत के एमएलए हैं, अगर आप मस्जिदों को सोलार सिस्टम देने की बात कर रहे हैं तो उस मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले नमाजियों के तहफ्फुज की ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बात कर रही? क्यों एक एमएलए जो रियासती हुकूमत का जिम्मेदार है वो ये बात करता है कि हम मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे और उसी में सरकार के जो जिम्मेदार है नायब वजीर आला और उसी सरकार के दूसरे नायब वजीर आला जो वजीर दाखिला है वो उस एमएलए पर कार्रवाई नहीं करते। आज सोलार सिस्टम का जो लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है, जैसे कि वक्फ तरमीमी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पेश किया गया है 2024, आप मस्जिदों में सोलार सिस्टम देने की बात करते हैं लेकिन मस्जिदों के तहफ्फुज़ की बात नहीं करते आप। क्यों इस गवर्नमेंट ने जो है वक्फ तरमीमी बिल का, जैसे कि तेलंगाना में असदुद्दीन अवैसी की इमा पर और वहां के जो फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की इमा पर वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 को रिजेक्ट किया, आज मस्जिद मदारिस को सोलार का लॉलीपॉप दे रहे लेकिन मस्जिद और मदारिस के तहफ्फुज की बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी वक्फ तरमीमी बिल पर वाजे तौर से क्लियर करना चाहिए कि ये मस्जिदों और मदरसों का तहफ्फुज जो वक्फ बोर्ड के जरिए होता था आप इस तरीकेकार को कायम रखेंगे
या जो तरमीमी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पेश किया गया है आप उसकी हिमायत करेंगे? इसी से जुड़ा सवाल है कि वो नीतीश राय ने कहा मस्जिदों में घुस के मारेंगे और आपने धरने का ऐलान किया, पुलिस परमिशन मरहले में है आपने कहा, अगर इजाजत पुलिस नहीं देती तो क्या करेंगे, क्या धरना देंगे या फिर अपना एहतजाज वापस ले लेंगे? देखिए वक्फ तरमीमी बिल और जिस तरीके की नफरत अंगेज और जहर अफशानी की जा रही है ये तो अशद ज़रूरी है कि हमारा शहर जो है वो बेदार शहर है। और आप लोगों को मालूम है कि जब इस तरीके की कोई हरकत होती है तो आवाज़ सबसे पहले मालेगांव शहर से उठती है। अगर बुध के रोज़ के धरने की परमिशन नहीं मिलती है तो भी इंशाअल्लाह हम लोग बुध के रोज़ धरना देंगे और आप लोगों को जो है सोशल मीडिया के ज़रिए आगाह करेंगे।